उस दिन फूफो ने कुछ कहा तो नहीं? किस बारे में? मंगनी वाले दिन जो कुछ भी हुआ उस बारे में। उस दिन क्या हुआ था? तावर, एक बार फिर मेरा नाम लो, तुम्हारे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी ना। क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि मंगनी करने के लिए आ रहा हूँ, रिंग भी नहीं लाए, सिर्फ मिठाई खिलाकर चले गए। ऐसे होती है मंगनी? रिंग? मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। आपको ख्याल नहीं रहा, आप भूल गए। पप्पू को तो इन बातों की समझ है ना। एक्चुअली हम डॉक्टर्स ना थोड़े पढ़ाकू टाइप के होते हैं, तो इन सब बातों का हमें पता नहीं होता। डॉक्टर्स को ही तो सब कुछ पता होता है। रहने दे, सफाइयां मत दे। यही कोई बाहर की लड़की होती तो उसके लिए जोड़े भी आते, डायमंड रिंग भी आती। लेकिन मैं तो भाई की बेटी हूँ, इसलिए मिठाई खिलाकर टरखा दिया। नहीं मां, ऐसा नहीं है। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि फूफो में कमतर नहीं समझती? नहीं, वो कमतर क्यों समझेंगी तुम? जब कभी उनका मूड अच्छा होगा ना, तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि वो हमारे बारे में क्या राय रखती हैं, क्या समझती हैं हमें। ऐसी बात नहीं है मैम, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं सोचती। तो फिर अपनी इकलौती बहू के चाव नहीं उठाए उन्होंने, क्यों? मेरे लिए सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। आई एम सॉरी, बस ऐसे ही फील कर गई थी तो आपको बता दिया। अम्मी आपका वेट कर रही हैं, आ जाए उनसे मिलने।